तो और तो मेरे भाई लोग तो कैसे हो यार। तो मैं आ चुका हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईक्यू 9SE के बारे में। तो फाइनली इस वाले डिवाइस के अंदर नया वाला अपडेट रोल आउट होना शुरू हो चुका है। तो अगर आप लोगों को भी ये वाला अपडेट नहीं मिला है तो थोड़े दिन रुक जाओ, आपको भी ये वाला अपडेट मिल जाएगा। अगर हम बात करें अपडेट साइज की तो ये वाला अपडेट आपको 540 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला अपडेट मेरे डिवाइस के अंदर तो आ चुका है और मैंने अपडेट भी कर लिया है। तो मैं आपको बताता हूँ इस वाले अपडेट के अंदर आपको क्या नया चेंजेस देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें इस वाले डिवाइस के अंदर आपको क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो सबसे पहले 4D वाइब्रेशन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया गया है और नया वाला सिक्योरिटी पैच को भी इस वाले डिवाइस के अंदर ऐड कर दिया गया है। लेकिन इन सब के अलावा अल्टरनेटिव कॉल एप्लीकेशन को भी ऐड कर दिया गया है, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो अगर आप लोगों को भी इन वाले एप्लीकेशन को यूज करना है तो सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर आ जाना है, और सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको एप्स के अंदर आ जाना है, और एप्स के अंदर सबसे नीचे में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आके इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है, तो ये वाले एप्लीकेशन आपको अपनी होम स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। तो इन वाले एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब भी आप कॉल करते हो तो किसी की कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो जो ब्रॉडकास्ट सुनाई देता है वो ब्रॉडकास्ट इन वाले एप्लीकेशन के अंदर नहीं सुनाई देगा। तो अब आप किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो बिना उसको पता चले। तो जो गूगल के डायलर के साथ दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि जब भी आप गेमिंग कर रहे हो और किसी का कॉल आ रहा है तो पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको बैनर शो करता था। तो अब आपको इस वाले अपडेट के बाद वो वाली प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, अभी आपको छोटा सा बैनर ऊपर की तरफ शो करेगा जब आप गेमिंग कर रहे हो तब। इस वाले अपडेट के बाद डिवाइस की हीटिंग को काफी हद तक कम कर दिया गया है पहले के मुकाबले। तो पूरा पूरा चांस ये बनता है कि जल्दी आपको BGMI के अपडेट के साथ इस वाले डिवाइस के अंदर 90 FPS का ऑप्शन जल्दी देखने को मिल सकता है। तो बस भाई लोग आज के वाले वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो हम मिलते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।